Hi, this is Mugdha Shah calling from Kasturi, addressing all customers, inviting them to join Kasturi. एक बड़ा सिंपल सा सवाल मुझे पूछा जाता है कि बम्बई की लड़की मुग्धा शाह क्यों इस प्रोजेक्ट पे काम करने चल पड़ी है जो कि हेल्दी फूड फॉर ऑल कहते हुए किसानों के साथ जुड़ रही है, राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है. हमको क्या, हम तो शहर में बैठे हैं, बम्बई में बैठे हैं, खुश रहे, मस्त में खाना मिलता है, सब कुछ पका पकाया मिल जाता है. यहाँ पर तो खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. फिर क्यों? इस सवाल का जवाब देने के लिए आगे की कुछ मिनटें मैं आपकी लेना चाहूंगी. ये पूरी की पूरी कस्तूरी, अगर आप समझते हैं कि कस्तूरी किसको कहते हैं, तो मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ बता दूं, वो मस्क को कहते हैं जो नाभि में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है. और ये हेल्दी फूड फॉर ऑल के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना है. और आहार जब पेट तक पहुंचता है तो हर कस्टमर के पेट तक भी पहुंचता है. ये सबसे बड़ी ग्राहक मूवमेंट है. मैं उस बंबई में बैठी हूं जहां पे मुंबई ग्राहक पंचायत नाम की संस्था इतना सम्माननीय काम कर रही है कि पूरे एशिया में ग्राहकों का सबसे बड़ा संगठन वो है. उन्होंने दिखा दिया है कि ग्राहक जब एक साथ मिलते हैं तो कितनी बेहतर सेवाएं मिल सकती है ग्राहकों को. और फिर दूसरी तरफ मैं एज मुग्धा शाह देखती हूं कि मैं जो खाना खा रही हूं मुझे उसके मैन्युफैक्चरर का नाम भी पता नहीं. अगर आपको पता है एज अ कस्टमर तो प्लीज मुझे संपर्क कीजिएगा. मेरा नंबर है यहां पे लिखा हुआ भी और पर्सनल नंबर है 9702099998. मैं इस मुहिम के साथ जुड़ी हूँ एक स्वार्थी ग्राहक के तौर पे. स्वार्थी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझ में ये स्वार्थ बिल्कुल ही बिल्कुल है कि मुझे जानना है कि मैं जो खाना खा रही हूँ वो पकाया किसने है. अगर वो ऑर्गेनिक का दावा कर रहे हैं तो मुझे ट्रेसेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर चाहिए. मैं जाके देखूँ, चाहे खुद जाऊँ या खुद के पहचान वालों को भेजूं, मुझे वो ट्रेसेबिलिटी चाहिए. आई वांट द एड्रेस ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन द फूड प्रोडक्ट विच आई परचेस एंड ईट. आई डिजर्व टू नो एज अ कस्टमर एमआरपी ब्रेकअप. एक तरफ मैं टमाटर लेती हूं 30 रुपए किलो और वहां पे मैं अखबार में पढ़ती हूँ कि टमाटर 3 रुपए किलो देखकर किसानों ने आत्महत्या कर ली, रोड के ऊपर टमाटर फेंकना शुरू कर दिया. मुझे समझ में नहीं आता किस बात का हल्ला है. जब मैं 30 रुपए दे रही हूँ तो क्यों उसको 15 रुपए नहीं मिल सकते. मुझे वो सर्विस प्रोवाइडर चाहिए एज अ ग्राहक जो कहे कि कम से कम 50% हम प्रोड्यूसरों को दे रहे हैं और एमआरपी पे लिख कर दे, अपनी आइडेंटिटी के साथ दे कि कौन दे रहा है वादा, मैं सेलर कौन हूँ. आज मैं खरीदने जाती हूँ ग्रोसरी स्टोर पे, ना सेलर का नाम है ना प्रोड्यूसर का नाम है. और मुझे सिर्फ पैकेज्ड फूड ही नहीं चाहिए. मैं पैकेज्ड फूड के लिए नहीं आग्रही हूँ, मैं इन्फॉर्म्ड फूड के लिए आग्रही हूँ. मैं लूंगी आम तो आम के करंडी के ऊपर हमें देखना चाहे. और जब मैं ये मैं कह रही हूँ तो मैं मुग्धा शाह अकेली नहीं हूँ. मैं ग्राहक महिलाओं का वो संगठन हूँ जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. हम ग्राहक हजार के लाख लाख के करोड़ हुए जा रहे हैं और ये दावा करते हैं कि जब हम घर में रसोई में खाना बनाते हैं हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें जहर नहीं. और अगर आप कहते हैं कि जहर नहीं तो हमें बताओ कि कहां बना था ये. हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम इतनी अच्छी प्राइस दे रहे हैं, बड़े शहर वाले बड़े लोग बड़ी कीमत चुकाते हैं खाद्य उत्पाद की, तो उसमें से कितना पैसा दे रहे हैं आप उत्पादक को. जिस तरह से मेरे घर में कारपेट आता है तो मुझे पता होता है कि इसके पीछे चाइल्ड लेबर नहीं यूज किया गया, ये लिख के देना पड़ता है मुझे उत्पादक वालों ने. वैसे ही आज मुझे जो खाना बेचने आए उसे कहना होगा कि उसने उत्पादक को कितने पैसे दिए हैं. इस मुहिम के लिए, इस इन्फॉर्म्ड फूड के लिए जरूरी है कि हम ग्राहक अपनी आवाज जोड़े उत्पादकों के साथ. वहां पे लगे हुए फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस
अपनी जद्दोजहद के साथ, सारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव की जो मुहिम है, अगर हम उनके साथ जुड़ जाते हैं तो कितने प्रश्न हल हो जाएं। चैनल पार्टनर्स अपनी दुविधा में है, उनको पता नहीं चलता कि वो जो क्विंटल के क्विंटल माल ले रहे हैं उसको किस कीमत पे बेच पाएंगे, क्या उनका माल वेयरहाउस में सड़े सड़े गल जाएगा, उसके लिए प्रॉफिट मार्जिन बना के रखना ज़रूरी है। काश हम सब ग्राहक कह पाते कि एग्रीगेट कर पाते अपनी डिमांड को, आईटी प्लेटफॉर्म पे दे पाते, तो आज बम्बई के एक एक कॉलोनी में इतनी ताकत है कि एक एक बड़ी बड़ी कॉलोनी एक एक गांव को दत्तक ले सकती है और आपको उस गांव से उत्पादन हो सकता है, सीधे आप तक पहुंच सकता है, आपके बच्चे जाके वहां पे एग्रो टूरिज्म रूरल टूरिज्म के लिए पहुंच सकते हैं। एक एक कॉलोनीज, हम स्मार्ट सिटी में बैठ के बड़े खुश हैं तो वो रूफ टॉप रखते हैं जहाँ अर्बन फार्मिंग हो सकता है। हमारे घर के में जो काम सहायता दे रही हैं वो मेड, हमारे घर की जो रखवाली कर रहे हैं वो वॉचमैन, वो सारे खेती के बैकग्राउंड से मुख्य प्रमाण से आए हुए हैं। उनके हाथ में बागडोर दे दें तो हमारे सबके रूफ टॉप पे फार्मिंग शुरू हो सकती है, हमारी खुद की निगरानी में, ताकि हमारे बच्चे को पता चले कि टमाटर का पेड़ होता है ये टमाटर का पौधा, हमारे बच्चे को पता चले कि एक मिर्ची उगाने में कितना मेहनत लगती है, उसको पता चले कि एक धनिए का पत्ता जब वो थाली में वेस्ट कर देता है उसको उगने में वक्त कितना लगेगा, ताकि हम जो सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को कि फूड वेस्ट ना करें, अगर उन्होंने फूड ग्रो करना सीखा होगा तो कर पाएंगे। और आज की तारीख में फूड ये बड़ा हाईटेक बिजनेस है सर, लिज्जत ने जो सिद्ध किया हुआ है, अमूल ने जो सिद्ध किया हुआ है वो काफी शहरों में भी सिद्ध है। बैंगलोर जैसी जगह पे जाएं तो 5 कॉर्पोरेट्स चल रहे हैं जो सिर्फ रूफटॉप फार्मिंग कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है शहर वालों के लिए कि हम शहर में रह के शहर के सारे ग्राहकों को जोड़कर उनको कनेक्ट कर पाए रीजनेबल चैनल पार्टनर्स के साथ और जुड़े ग्राहकों उत्पादक वालों के साथ। अब ये कैसे करेंगे उसके लिए हमें लगेगा एक मेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिजिटल डायरेक्टरी हो, डिजिटल बेस्ट प्रैक्टिसेस की शेयरिंग हो, ताकि आपको किसानी सीखने जाना नहीं पड़े, आप देख सके कि कौन कहाँ अव्वल नंबर का काम ऑलरेडी कर रहा है, आपने सिर्फ उसका साथ निभाना है अव्वल दर्जे का ग्राहक बनके। उसके लिए प्लेटफॉर्म है कस्तूरी, इसमें जो महिलाएं जुड़े उनको हम कहते हैं कल्याणी, वो कल्याणी आईटी प्रोफेशनल भी हो सकती हैं, आज कॉलोनीज में बैठी हुई भी हो सकती हैं, वो वेंचर कैपिटलिस्ट भी हो सकती हैं, वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हो सकती हैं, वो आईटी एक्सपर्ट्स भी हो सकती हैं, आप जिस किसी क्षेत्र में हैं आप अपना सहयोग इस पूरी मुहिम से जोड़ सकते हैं और उस देश का निर्माण करते हैं जो स्मार्ट नेशन कहलाए। हम स्मार्ट नेशन बने स्मार्ट सिटी को एक्सपांड करते हुए, जहाँ पे एक अर्बन रियलिटी हो, हरित शहर की तरफ बढ़े जिसपे सभी भारतीय का और सभी दुनियावासियों का अधिकार है। ये मॉडल को हम इस तरह से इस देश में विकसित करें कि आपके जो NRI भाई बहन बाहर हैं या जो विश्वजन हमारे कुटुंबीजन हैं वो हमसे मिसाल सीखने आए। अगर आप US जाने की प्लान कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपके कजिन्स रहते हैं, तो उन तक आपका काम पहुँचे और ये काम जो आज भारत में पनपेगा वो वहाँ पे वो भी शुरू कर पाए उस ज़मीन का ध्यान रखते हुए। सो इट इज़ वेरी सिटी स्मार्ट प्रोजेक्ट ट्राइंग टू मेक अ स्मार्ट नेशन विच इज़ ग्रीन एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।